हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव लाइफ विद रितु। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये क्वेश्चंस जिनको मैंने घर पे ही बनाया है और बहुत लो कॉस्ट में ये क्वेश्चंस रेडी हो गए हैं, ब्यूटीफुल से बन के तैयार हुए हैं और बिल्कुल मार्केट वाला लुक दे रहे हैं। तो अब मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगी कि मैंने इसका फाइबर कहाँ से मंगवाया है और ये स्टफ भी मैंने घर से ही निकाला है तो, और डिफरेंट शेप के बनाए हैं। ये 16x16 के मैंने कुशन्स रेडी किए हैं, डिफरेंट शेप मैंने यहाँ पे इसमें लिया है। इसके अलावा तो देखिए, ये स्टफ है, मेरे पास एक वाइट चादर थी और ये स्टफ है टेरिकॉट। ऐसे ही हमें कुछ स्टफ यहाँ पे लेना है और यहाँ इंच टेप से हम यहाँ पे 34 इंचेस एक साइड से मार्क कर लेंगे। बस मेजरमेंट का थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना है इसमें कि हमारा मेजरमेंट प्रॉपर होना चाहिए। इसकी पूरी लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे क्योंकि एक हमारा अगर प्रॉपर मेजरमेंट से कटिंग हो गई तो उसके बाद फिर और सभी कुशन्स हमारे बहुत सही से निकल आएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक साइड से ले लिया है 34 इंचेस और पूरी लाइन ड्रॉ कर ली है ऊपर तक, जो मेरी यहाँ पे इसको मैं कट कर लूंगी। हमें जब भी हम कुशन्स बनाते हैं तो हमें कोई भी लाइट कलर यूज करना है यहाँ पे, बिकॉज अगर बाई चांस हम, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो हम लाइट कलर का कुशन कोई चढ़ाते हैं तो उसमें से डार्क नीचे से नजर आए। देखिए, मैंने ये पूरा 35 इंचेस का ये मैंने ले लिया है एक तरफ से। अब दूसरी साइड से मुझे मार्क लगाना है 17 इंचेस का। 16 बाई 16 का बना रही हूँ यहाँ पे, तो 1 इंच रखूंगी मैं स्टिचिंग का, जिसमें हाफ हाफ इंच दोनों साइड मेरी स्टिचिंग में जाएगी। तो यहाँ पे मैं 17 मार्क कर लिया है और 17 मार्क करने के बाद दूसरी साइड भी मैं 17 मार्क कर लूंगी और सेम उसी तरह से जैसे मैंने पहले यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी थी वैसे ही एक स्ट्रेट लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लूंगी। सबसे अच्छा तरीका होता है इसमें कि आप बीच में भी एक मार्क लगा लें और कोई भी एक बड़े स्केल से इन पॉइंट्स को जोड़ दें, क्योंकि दो पॉइंट्स जब हम जोड़ते हैं तो उसके बीच में स्ट्रेट लाइन नहीं आती है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे इसको ज्वाइन कर लिया है और इसको मैं यहाँ से कट कर लूंगी तो मेरा एक रेडी हो जाएगा यहाँ पे। और इसी के मेजरमेंट से मैं अपने और चार कुशन के जो कुशन बनाऊंगी तो उसको भी मैं कट कर लूंगी। देखिए, बस इसी का मेजरमेंट मैंने लिया और मैंने इसको कट कर लिया यहाँ से मैं इसको कट कर लूंगी। देखिए, मैंने यहाँ पे कट कर लिए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसमें स्टिचिंग कैसे करूँगी। इसमें 3 साइड स्टिचिंग होगी और तीसरी साइड में, क्योंकि एक साइड तो हमारी ऑलरेडी ज्वाइंट ही है, तीसरी साइड में मैं यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ूंगी जिससे मैं फाइबर इसमें फिल कर सकूँ। अब मेरे पास, आपने देखा होगा, उस चादर में से मुझे एक पूरी स्ट्रिप बची थी। उस स्ट्रिप में से मैंने यहाँ पे ट्राइंगल शेप के भी कुछ कुशन्स निकाले हैं। स्क्वायर मैंने ये रेडी कर लिया, एक स्क्वायर रेडी कर लिया। देखिए, ये पूरा मेजरमेंट एक सा ही मैंने रखा है यहाँ पे और ये मैंने जो एक्स्ट्रा था उसको साइड से कट कर दिया। जो दूसरा मेरे पास पीस बचा था उसको मैं इसी सेम मेजरमेंट से कर लूंगी। ये देखिए, दूसरा पीस मेरे पास बचा था, ये स्क्वायर थोड़ा सा बड़ा है इस स्क्वायर से, तो मैं दोनों स्क्वायर को सेम कर लूंगी क्योंकि मुझे दोनों कुशन्स जो है वो सेम साइज के चाहिए। तो यहाँ मैंने इसमें से निकाले हैं 2 सेम साइज के और 2 छोटे भी निकल गए हैं इसमें से मेरे, तो मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत क्यूट लग रहे हैं वो। ये जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो मैंने इसमें से हटा दिया है। बहुत आसान है ये ट्रायंगल कुशन्स बनाना और सुंदर भी बहुत लगते हैं रखने के बाद। आप ड्राइंग रूम में रखिए, आप अपने बेड पे रखिए, सब जगह अच्छे लगेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पे इसको ऐसे फोल्ड कर दिया। सिंपल फोल्ड करने के बाद यहाँ पे मैं सेम स्टिच मार लूंगी और स्टिच के बाद साइड से थोड़ा सा ओपन रखूंगी, जिससे क्या होगा कि वहां से मैं फाइबर फिल कर सकूंगी। ऐसे ही मैं सेम दूसरे में करूंगी तो दोनों मेरे रेडी हो जाएंगे यहाँ पे। और ऐसे देखिए, मैंने छोटे भी 2 तैयार किए हैं। ये देखिए, इन पे भी मैं सिलाई मार लूंगी। तो 4 तो मेरे ये तैयार हो गए और उसके अलावा 5 मेरे स्क्वायर के हो गए 16x16 के। देखिए, मैंने यहाँ पे स्टिचिंग कर ली है इसकी और मैं इसको अब आपको
दिखाती हूँ कि इसमें जब हम स्टिचिंग करने के बाद इसको हम सीधा करते हैं तो किन बातों का हमें ध्यान रखना है, चाहे हम स्क्वायर की बना रहे हों चाहे हम ट्रायंगल। जो इसका पॉइंट है, नोक है, कॉर्नर्स है, उनको उनका पॉइंट बिल्कुल अच्छे से उसको सही से बाहर निकालना है, जिससे वो जो इसकी शेप है वो डी शेप ना लगे, प्रॉपर शेप लगे। इसी तरह से मैंने सारे सीधे कर लिए हैं, और सीधे करने के बाद अब मैं इसमें फाइबर भरूंगी। ये देखिए, ये है फाइबर, और ये मैंने अमेजोन से मंगवाया है। फाइबर बहुत अच्छी है और बहुत सस्ती पड़ी है मुझे। ये मैंने 200 रुपीज की ये 500 ग्राम मंगवाई है, और इसको अच्छे से आप पिन कर लीजिए थोड़ा सा। देखिए, मैंने ये इसको ऐसे खोल लिया है, और खोलने के बाद मैं इसको कुशन में जो मेरे रेडी हैं स्टिच करके उनमें मैं सबको फिल करूंगी। देखिए, और फिल करने का बहुत जरूरी जो पॉइंट है जो आप में हमें ध्यान में रखना है वो है, सबसे पहले हम जो कॉर्नर्स हैं उनको अच्छे से फिल कर लेंगे, क्योंकि कुशन जो भी आप बना रहे हो उसका जो लुक आता है वो कॉर्नर से ही आता है। अगर उनके कॉर्नर्स दबे हुए होते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पे हमें कॉर्नर्स भी पहले अच्छे से फिल करनी है ये फाइबर, और उसके बाद, और आप ये देखिए कि मेरा इतनी फाइबर में, 500 ग्राम फाइबर फाइबर में ये क्योंकि मैंने अच्छे से इसको पिन किया है। पिन मतलब अच्छे से इसको मैंने ओपन कर करके फाइबर को उसके बाद कुशन में फिल किया। देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट सा लग रहा है और अच्छे से फिल है। और अब जो खुली हुई जगह है उसको मैं सुई धागे से यहाँ पे स्टिच कर लूंगी। ये देखिए, मैं आपको दबा के दिखा रही हूँ। इसको अंदर की साइड हमें मोड़ना है, और मोड़ने के बाद हमें सुई धागे की हेल्प से सिंपल इसमें कच्चा कर लेना है। मैं बहुत ज्यादा इसमें इसको अच्छे से सिक्योर इसलिए नहीं कर रही, क्योंकि जब भी मेरा मन करेगा तो मैं चाहे तो इसको खोल के और इसमें और फाइबर भरना चाहूँ तो भर सकती हूँ, या मैं कुछ बड़ा कुशन बनाना चाहती हूँ तो मैं उसको रीयूज कर सकती हूँ, क्योंकि बहुत टाइटली इसको मैं सिक्योर कर दूंगी, इतने में ये नहीं लेगा। ट्रायंगल का जो सिक्योर करना है वो भी आप ध्यान से देख लीजिए। कॉर्नर मोड़ा यहाँ से, दोनों साइड से हमने अंदर की साइड मोड़ा, और देखिए ये नोक सी यहाँ पे बन जाएगी कॉर्नर पे। उसके बाद हमने इसको स्टिच कर दिया। बहुत लो कॉस्ट में ये तैयार हुए हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी मेरी ये वीडियोस देख रहे हैं उन्हें शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, जिससे ये उन लोगों के पास पहुंचे जो घर में अपना कुछ काम करना चाहते हैं, या घर में अपनी चीजें अपने हाथ से बनाना चाहते हैं कम कॉस्ट में। तो आप शेयर कर सकते हैं लोगों को, प्लीज शेयर करिए, लाइक करिए मेरी वीडियोस को, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। तो देखिए, सिंपल मैंने यहाँ पे जिसे कहते हैं कच्चा, वैसे मैंने किया है, और सिंपल स्टिच किया है यहाँ पे, और ये सुई धागे की हेल्प से मैंने यहाँ पे इसको सिक्योर कर लिया है। ये देखिए, रेडी हो गया मेरा छोटू सा, एक बहुत प्यारा सा कुशन। मुझे बहुत ही अच्छे लगे ये छोटे वाले ट्रायंगल, और बड़े भी अच्छे हैं। अब आप देखिए कितना सुंदर बन के रेडी हुआ है ये, और मुझे बहुत पसंद आया। आपको अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर शेयर करिए अपने व्यूज़, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा। थैंक यू।